अल्मोड़ा में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसको लेकर विधायक मनोज तिवारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। विधायक के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के मुख्य मार्ग पर कई महीनों से गड्ढे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ऐसे में विधायक ने गड्ढे भरने की बात की, साथ ही कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस ने कहा कि इसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, जल्द ही इसमें पक्का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गड्ढों को भरने का कार्य भी किया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आंशिक रूप से उसके कच्चे पैचिंग करी थी, जो पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया है। हालांकि वो हमने आंशिक ही कर पाए थे। उसके अलावा उसके नज़दीक जो APR रोड है वो डिफेक्ट लेवल पीरियड में है, ठेकेदार का नोटिस दिया जा चुका है। ठेकेदार ने अवगत कराया कि उसे प्लान लगाने की अभी NOC नहीं मिली है, उस वजह से वो काम शुरू नहीं कर पाया है। अभी दो चार दिन का संभावित मौसम का फेज और है, उसके बाद जैसे वो प्लान सेटअप करता है जो भी उसकी SDBC के पैचेस है वो टेकअप कर लिया। अल्मोड़ा विधानसभा की जितनी रोडें पिछली सरकार में हमारी सरकार में स्वीकृत थी उसकी अद्यतन स्थिति और वर्तमान में शासन में जो पेंडिंग पड़ी है या जो नोडल विभाग में है या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है या जिसकी स्वीकृति होनी है, इन सारी चीजों को लेके आज यहाँ पर हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता करी है, घेराव कराया और उसके साथ साथ जो दैवीय आपदा में पूरे शहर की स्थिति दयनीय हो गई है, जहां पर दीवारें क्षतिग्रस्त हुई, लोगों को मकानों का खतरा उत्पन्न हो गया है।